Now today we are doing question number 10 of exercise 5.1. This is question number 10. By the given figure, write vertically opposite angles. So here you can see the vertically opposite angles are 1 and 4. Then you are required to write the pair of vertically opposite angles. So this 1 and this 4 are vertically opposite. So we will write 1 and angle 4 are vertically opposite angles. तो इसका आंसर जो होगा वो एंगल 1 और एंगल 4 होगा. Now this is the second part of the same question. Write the linear pairs. So you know that when the angles are forming a line, like 5 and 4, they are forming a line. So one pair is angle 4 plus angle 5. Another pair we can write angle 1, 2, 3. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3. देखिए 1 और 2 और 3 भी क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं. ऐसे ही एंगल 2, 3 और 4. 2, 3 और 4 भी एक लाइन बना रहे हैं. तो ये भी एक लीनियर पेयर होगा. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. इज एंगल 1 एंड 2 आर एडजेसेंट. सो आई हैव टोल्ड यू दैट एडजेसेंट एंगल्स वेन एवर दे हैव द कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स देन दे आर एडजेसेंट. तो यहां पे आप देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 में आर्म तो कॉमन है, ये वाली लाइन तो कॉमन है, लेकिन इसकी वर्टेक्स यहां पे, इसकी वर्टेक्स यहां पे, वर्टेक्स कॉमन नहीं है. तो हम यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे नो दे आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज दे डोंट हैव कॉमन वर्टेक्स. इनकी जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है, इसलिए ये जो है एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड एक्स वाई जेड बाय द प्रॉपर्टीज. इन द गिवन क्वेश्चन यू कैन सी फिगर. सो हेयर एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री. एक्स जो होगा वो डायरेक्ट 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा. कौन सी प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक्स जो है वो वाई, एक्स जो है वो 55 के डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट है. और यहां पे जो वाई होगा वो जेड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वाई जेड के डायरेक्टली वर्टिकली अपोजिट है. तो वी ओ ए का मीन्स क्या हो रहा है यहां पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो वाई जो होगा वो जेड के बराबर होगा. इसके अलावा हम एक चीज ये देख सकते हैं कि y जो है वो 55 के साथ एक लीनियर पेयर भी बना रहा है, क्योंकि लाइन बना रहा है. तो y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 और ब्रैकेट में हम लिखेंगे LP मींस लीनियर पेयर. 55 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 125 डिग्री. और z हमें पता है y के बराबर है, y इज इक्वल टू z, तो z भी क्या हो जाएगा 125 डिग्री. सो इन दिस वे यू आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड पार्ट. हेयर यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फाइंड x, y एंड z. सो हेयर यू कैन सी z इज वर्टिकली अपोजिट टू 40. सो z इज इक्वल टू 40 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो वी विल राइट वी ओ ए. Now you can see this 40x and 125, they are making a linear pair. So we will write 40 degree plus x plus 125 is equal to 180 degree by linear pair. So x plus 125 or 40 kitna ho jayega, 165 is equal to 180. So 180 mein se 165 minus karenge. तो x आ गया हमारा 15. नाउ x इज 15 डिग्री. नाउ वी विल फाइंड y. और 40 का एक लीनियर पेयर है यहां पे,
So we will write y plus 40 is equal to 180. So y is equal to 180 minus 40. 180 माइनस 40 होगा तो कितना आएगा 140. इट इज 125 नॉट, इट इज ओनली 25. ये यहां पे 25 है, 125 इसको कट कर दो, ये 1 नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 115. Now it is okay.